हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, वेट मैं आपको टॉपिक बताती हूँ कि हम किस टॉपिक पे आज रीडिंग कर रहे हैं। आज थोड़ा लेट हो गया और इंशाल्लाह आपको ये वक्त से आपकी वीडियो मिल जाए। ठीक है, आपके पर्सन आपसे डरते हैं या तो आपकी किसी बात से डरते हैं, तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे डरते हैं या आपके गुस्से से डरते हैं। ठीक है, देखेंगे कि आपके पर्सन को जब भी सोचते हैं तो वो किस चीज़ से आपके थोड़ा सा उनको डर रहता है। ठीक है, चलें वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, हम इससे करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन आपसे आपसे डरते हैं या आपके गुस्से से डरते हैं, चेक करते हैं आपकी किस बात से डरते हैं। आपके पर्सन को किस बात से ये होता है कि प्लीज आंजल स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर की किस बात से डरते हैं, क्या बात है जो मेरे व्यूवर की किस बात से डरते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी किस आपसे डरते हैं, आपके गुस्से से डरते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये पर्सन आपसे डरता है या आपके गुस्से से डरता है। फोर ऑफ कप्स, ये पर्सन आपने कभी इस पर्सन को रिजेक्ट नहीं किया है। ठीक है, मतलब कि आपने कभी भी इस पर्सन को इग्नोर नहीं किया है। ये पर्सन को उस चीज़ से थोड़ा सा डरता है, या तो उस चीज़ से वो होता है कि ऐसा वो ये सोच कर भी डरता है कि कभी ये पर्सन आपके पास आए और आप इस पर्सन को रिजेक्शन दें, या तो इग्नोर करें, या तो इस पर्सन को वो वैल्यू ना दें जो आप पास्ट में कभी देते थे। ठीक है, शायद इस पर्सन को पता है, इस पर्सन को आपकी तरफ आना है और आपको चूज करना है, और आपको कोई सच क्लैरिटी देनी है, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद जो आपको क्लैरिटी मिलेगी, ये आपके उस डिसीजन मेकिंग से डरता है। ठीक है, इस आपके पार्टनर को पता है आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक आपने बहुत वेट करा इस पर्सन का। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन एक बेखौफ है कि एक लीप ऑफ फेथ तो लेकर जाना लेना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन आप एक जस्टिस जस्टिस चाहते हैं, आप एक जस्टिस लवर हैं, मतलब कि जस्टिस को पसंद करते हैं। आप अपनी लाइफ में भी जस्टिस करते हैं, सामने वाले के लिए भी जस्टिस करते हैं। जो भी इस पर्सन ने पास में किया है, ठीक है, जिस तरीके से भी आपको ट्रीट किया गया है, जो इस पर्सन का बिहेवियर रहा, ये पर्सन अब इस टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मुझे गिल्ट में नज़र आ रहा है, रियलाइजेशन के फेस में नज़र आ रहा है, आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन इसको डर है कि आपकी तरफ से एक रिजेक्शन ना मिले। ठीक है, आपके आपके एक इंसाफ से डरता है सबसे ज़्यादा। ये पर्सन जो थोड़ा सा स्कैरीज की सिचुएशन रहती है, आपका इंसाफ, आपका डिसीजन मेकिंग का तरीका, ठीक है, आपका डिसीजन लेने का तरीका, वो इस पर्सन को ज़रा डरा देता है, क्योंकि आपने कभी इस पर्सन को इग्नोर नहीं किया, कभी इस पर्सन को गोस्ट नहीं किया, कभी इस पर्सन को आपने रिजेक्ट नहीं किया। ये 10,000 गलतियां कर कर आया, आपने एक्सेप्ट करा, लेकिन आपको ट्रुथ कभी नहीं बताया उसने, कहाँ से आ रहा है, क्या गलती कर कर आ रहा है, क्या मिस्टेक कर कर आ रहा है। आपको ये जब भी आया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए लविंग केयरिंग रहे, आपके दिल में एक अनकंडीशनल लव रहा, इसने देखा है वो लव आपके अंदर, आपके लिए, अपने लिए। ठीक है, कि आपने इसकी हर अच्छी बुरी गलतियों को इग्नोर किया है, फॉरगिव किया है, बार बार किया है, लेकिन आपको कभी भी एक होल ट्रुथ, कंप्लीट ट्रुथ, कंप्लीट क्लैरिटी नहीं मिली। कभी भी आपको एक सच नहीं पता चला कि यहाँ पर क्या वजह रही। ठीक है, या आपके जस्टिस से डरता है, या आपके आपकी डिसीजन लेने वाली एक पावर से डरता है। ये जानता है जो सही होगा वो करेंगे, और जो ये जानता है और ये गलत रहा है। ठीक है, अगर आपको सच पता चला, अगर आपको एक ट्रुथ पूरा पता चला कि ये नहीं जानता कि आप इसको माफ करेंगे या नहीं करेंगे, आप इसको फ्यूचर में आप इसके साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे नहीं करेंगे। इस पर्सन ने आपको बेहद वेट कराया, 7-7 की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंतजार कराया है। ठीक है, आपने इस पर्सन को पहले ही अपना थॉट प्रोसेस बता दिया था, आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा है,
अपना लव, अपना केयर, अपनी अफेक्शन सब आपने प्रोवाइड करी इस पर्सन को, और आपने इस पर्सन का इंतजार करा है. आप बहुत विजडम है आपके पास, आपको रेड फ्लैग्स दिखते थे, लेकिन आप जब तक आप अपनी इंट्यूशन पे कंप्लीटली इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते जब तक आप आंखों से ना देख लें, इस पर्सन का एक होल ट्रुथ ना देख लें, ठीक है. तो आपने इसको बहुत ज़्यादा चांस दिए अपनी लाइफ में. ये पर्सन थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक वन टू वन आपसे बात करना चाहता है, लेकिन इस बात का इसको खौफ है. अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, अगर ये आपकी तरफ एक एक रिस्क टेकिंग कर कर आता है, तो ये दिमाग में ये बात बिठा कर आए, यहाँ पर चीज़ें बन भी सकती हैं और बिगड़ भी सकती हैं, क्योंकि ये आपके नेचर को जानता है, ठीक है. आप किसी के साथ गलत करते नहीं तो गलत बर्दाश्त भी नहीं करते, ठीक है. ये वो वाला नेचर जानता है, मतलब कि अगर आपने गलत नहीं किया इस पर्सन के साथ कभी पास्ट में, तो आप गलत बर्दाश्त भी नहीं करेंगे. तो वो वाली एनर्जी आपकी, ठीक है. तो ये इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है. आपको फेस नहीं कर पा रहा, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा. इस पर्सन को जो डर लगता है सबसे ज़्यादा इस टाइम फ्रेम में, पास्ट में नहीं पता कि इस पर्सन को डर लग रहा था कि नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये डरता है कि आपको अगर सब सच पता चलेगा तो आप एक जस्टिस से काम लेंगे, ठीक है. आप यहाँ पर वो करेंगे जो राइट होगा, उस बिहेवियर से आपके डरता है ये, ठीक है. और वो बहुत ज़्यादा आपका वो जो वाला आपका बिहेवियर है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा होगा जैसे पत्थर पे लकीर, जैसे आपने इसको चाहा था. अगर आपने अपने दिल में एक तहिया कर लिया था, या आपने कोई अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था, ये राइट पर्सन है, ये राइट इन्वेस्टमेंट है, या तो ये राइट आपका काउंटर पार्ट बनने के काबिल है, तो आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अपनी, जैसे आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में एफर्ट दी, बहुत एफर्ट दी, जो कर सकते थे वो किया, जो आपके अख्तियार में था, जो आपके बस में था, आपने हर चीज़ करी इस इंसान के लिए, और पॉजिटिव वे में. मैं नेगेटिव वे में, इख्तियार में तो नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिविटी, क्योंकि आपको इस पर्सन से मैरिज करनी थी, कमिटमेंट तक लेकर जाना था, फैमिलीज को इंट्रोड्यूस कराना था, यहाँ पर ट्रेडिशनल एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट लानी थी. तो आपने एक प्योर, आप एक प्योर हार्ट हैं, तो एक प्योर, एक ऑनेस्ट, एक बाय द बुक वाला नेचर है आपका, ठीक है. लेट्स सी, ये पर्सन आपसे डरता है या आपके गुस्से से डरता है? एस ऑफ कप, ये आपसे किसी चीज की माफी मांगना चाहता है, कुछ कुछ एक्सेप्ट करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, ठीक है. द यूनिवर्स, यूनिवर्स उसको पुश कर रहे हैं, यूनिवर्स उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप वो जो एक एक जो चीजें होल्ड कर रहा है ना, ये पास्ट टाइम से, जब से आप लोग का कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, जब आपको लग रहा है ये हाइड, एक कुछ ना कुछ हिडन है आपसे जो ये होल्ड कर रहा है, तो यूनिवर्स चाहता है ये आपसे उस बारे में बात करे, ठीक है. इसको पुश किया जा रहा है, इसको इसको बहुत ज्यादा बर्डन है उस चीज का. एट ऑफ सोट की एनर्जी है, मेंटली ब्लॉकेजेस है, बंधा हुआ फील करता है, मेंटली स्टकनेस है. इसको पता है, ये अपने माइंड में एज्यूम कर लेता है, अगर इसने आपको सच बताया तो ये हो जाएगा, अगर आपने इसको सच बताया तो वो हो जाएगा. जो इसकी एक जो छोटी जो थोड़ी बहुत भी चीज़ें रह गई हैं, एक जो इसने अपने ईगो की दीवार खड़ी करी हुई है कि ये बोलकर मुझे तो तुम चाहिए ही नहीं, मुझे तो तुम्हें एक्सेप्ट करना ही नहीं है, मैंने कब कहा था मैं कभी तुम्हारे साथ था या थी, तो एक जो दीवार इसने एक जो वॉल खड़ी करी हुई है, ठीक है, वो ही इसकी एक रिस्पेक्ट है. अदरवाइज उस वॉल के पीछे खोखल है, खोखला है, खोखला है, मतलब के कुछ भी नहीं है, सब खत्म है, वो वाली एनर्जी, ठीक है. बिल्कुल ये आपसे फेस करने में, या आपकी एक या आपके इंटेलिजेंस से, या आपकी इंट्यूशन से, या आपकी सोच समझ से, या आपके डिसीजन मेकिंग करने के तरीके से, इसके डिसीजन लेने का तरीका बहुत वीक है, ठीक है. इसका उस आपके तरीके से ही सोच नहीं सकता, आपके तरीके से ही कुछ डिसीजंस नहीं ले सकता. ये डिसीजन मेकिंग करना इसके लिए बहुत आसान नहीं है, बहुत कंफ्यूज है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो मूविंग है, ठीक है. तो ये आपके आपको बिल्कुल भी आपको बीट नहीं कर सकता, ठीक है. ये आपके कैलिबर का नहीं है, जो आपकी जहानत है ये उससे ये उसको मैच नहीं कर सकता. जो आपका एक आपके जो एक नेचर का जो एक तरीका है ना, नेचर, एक ट्रुथ ट्रुथ वर्दी पर्सन, खाली लव में नहीं, एक इंसाफ में, एक काइंडनेस में, एक इमोशनल, एक जेंटलनेस में, ठीक है, एक ग्रेस. वो वाली चीजें इसके अंदर कमी है, ठीक है. ये आपके उस चीज में बराबरी नहीं कर सकता,
और कभी ये चीजें आपके अंदर से जानी भी नहीं चाहिए, ये जानता है आपके नेचर को, ठीक है। आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था तो आपने यहाँ पर चीजें देखी, फ्यूचर को देखने की कोशिश करी। अगर यहाँ पर आप इन्वेस्ट ना करते तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म चीजें आप देखने की कोशिश भी ना करते, लॉन्ग टर्म जाने की कोशिश भी ना करते, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस, हर्मिट, कोई वर्गो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। एंड यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी, तो यहाँ पे कोई वर्गो भी हो सकता है। जो भी पास्ट में चीजें सोची या जो भी पास्ट में जिस तरीके के डिसीजंस लिए, जो भी पास्ट में एक थॉट प्रोसेस रहा, उसको लेकर अब सोचा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि टाइम ही अब जैसे अब मिल रहा है कि आपको समझने का टाइम या आपको जानने का टाइम, या आपके एक जो ये जो आपके एक एक जो आपका जो तरीका है ना चीजों को आगे लेकर चलने का, अपनी लाइफ में अपने आप को प्रैक्टिकल करने का, या तो आप बहुत ज्यादा इमोशंस, अपने इमोशंस से निकलकर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी की तरफ गए, आपने प्रैक्टिकल चीजों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया है। पहले आप बहुत ज्यादा एक इमोशंस में रहे, ठीक है, उस टाइम से और अब तक आपने एक चेंज किया अपने अंदर, आपके आपके सोचने में, आपके बिहेवियर में, आपके आपके कनेक्ट होने में एक चेंज आया है, जिससे ये वाली पर्सनैलिटी पर्सन को आपकी समझ में आई है कि आप अपनी लाइफ में एक जस्टिस को पसंद करते हैं, अपनी जिंदगी में आप जस्टिस को पसंद करेंगे। आगे अगर आगे कुछ भी होता है तो आप उसमें अपनी लाइफ में कुछ भी होता है तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मूव करेंगे, ठीक है। वेट, मैं पानी पी लूं। इसके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही आपके पास आके कुछ कुछ एक्सेप्ट करें, कुछ आपको जो हाइड किया हुआ था वो आपको बताए, क्योंकि इसको पता है आप बहुत ज्यादा यहाँ पे सख्त एक्शन लेंगे, आपका एक्शन शायद ये बर्दाश्त ना कर सके, ठीक है। क्योंकि आपने कभी रिजेक्शन नहीं दी, कभी भी आपने इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, ये डरता है उस चीज से कि डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा ये, ठीक है, ये उस चीज से डरता है। इसने आपका सिर्फ प्यार देखा है, लव देखा है, केयर देखा है, इमोशंस देखे, लेकिन ये आपकी दूसरी साइड को आपके साथ रहकर समझ चुका है। अगर आपके सामने पूरा सच आया, आप चीजों को खत्म करने में 1 मिनट का समय भी नहीं लेंगे, 1 मिनट का वेट भी नहीं करेंगे, सब आपके लिए सब खत्म हो जाएगा। कितने भी आपने साल इस पर्सन को दिए हो, अगर आप ट्रुथ जानते हैं तो वो अलग बात है। अगर ये वो लोग हैं जो जानते ही नहीं है बैक ऑफ द स्टोरी क्या चल रहा है, आज तक उनको ट्रुथ ही नहीं पता, यहाँ पर इसको खौफ रहता है आपके उस साइड का। अगर आपको ट्रुथ पता चलता है, ये पर्सन अगर आपके कभी कभी हिम्मत हार जाता है, सोचता है खामोशी से आपकी लाइफ से चला जाए, ठीक है, ये सब कुछ डिस्कनेक्ट करे, ब्लॉक करे और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा ले, क्योंकि इसके अंदर फेस करने की हिम्मत नहीं हो पा रही आपको, ठीक है, हिम्मत नहीं आ पा रही, इसका इनर सेल्फ इतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा कि आपके सामने आए, चीजों को फेस करे, जो इसने मिस्टेक्स करी है, जो इसने गलतियां करी उनको एक्सेप्ट करे, ठीक है। ये आपको मैरिज कमिटमेंट के लिए परफेक्ट पार्टनर समझता है, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट के लिए आप परफेक्ट पार्टनर, एक उसूल पसंद किस्म के इंसान है, ठीक है। लेकिन एक बड़ी बात है, ये पर्सन आपको डोमिनेट करना चाहता है, ठीक है, ये खुद जानता है कि आप खुद एक जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है ना, चीजों को लीड करने वाली। देखें, डरता कौन सा इंसान है, आपको कभी पता है ये बात, जो गलतियां करता है, जो झूठ बोलता है, जो पीछे से काम करता है, वो कभी भी फेस नहीं करेगा सामने वाले को। और डरता वो इंसान ही जिसको पता होता है, जिसको अपने आप का पता है कि यार मैंने कुछ गलत ही नहीं करा है, वो फेस करता है, वो लड़ता है, वो चीजों को देखता है। तो आप एक लीडर की तरह हैं, एक लीडर क्वालिटीज नहीं होती जिसके अंदर, वो जानता है जब मैंने कुछ करा नहीं है मैं क्यों डरूं किसी से,
और जो जानता है मैंने बहुत कुछ करा वो फेस ही नहीं करना जानता। ये अगर आपके पार्टनर आपको फेस नहीं कर रहे तो आपका एक डिसीजन मेकिंग करने का तरीका इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खौफज़दा करता है। जो उसकी बची कुची उसकी जो इज्जत है वो जो पामाल होगी जो उसकी जलील जलालत होगी उस चीज़ से डरता है। मैं आपको बता रही हूँ ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्लैरिटी आएगी आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे उसके लिए। ये जानता है आप नहीं फिक्र करेंगे आपने कितना इन्वेस्ट किया, आप नहीं फिक्र करेंगे आपने कितना इसको लव किया था। आप जो राइट है वो करेंगे, जो रॉन्ग है आप उसको छोड़ देंगे ठीक है। अपने असूलों के पाबंद थे, जस्ट लाइक जैसे आर्मी आर्मी के लोग नहीं होते बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ये करना है तो इस टाइम पे वो करना है। आपके एक उसूल हैं, आप उसूलों के मुताबिक चलते हैं और उसूलों को ही फॉलो करते हैं। अब तक आप उसूल को फॉलो कर रहे थे क्योंकि आपने आपने इंटरेस्ट दिखाया था। चाहिए आपको अब तक ऐसा लगा ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में नहीं है ना तो इसकी यार कोई मजबूरी है। आप मजबूरी में किसी को छोड़ना नहीं जानते। अगर ये आपको ट्रुथ बोल देता यार मेरे साथ मैंने किसी और को डेट कर लिया है या तो मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया हूँ तो आप उसी तरीके का फैसला करते। तो अब जहां गया था वहां चीजें एंड हो गई, अब आपको उस चीज का जवाब चाहिए। भाई कहाँ थे तुम बताएगा ये मैं वहां था और आप इतना टाइम से रुल रहे थे या परेशान हो रहे थे या बेहद पेन में रहे, इसका बिहेवियर आप झेलते रहे और आप पूछते रहे यार कोई मसला है तो मुझे क्लियर कट बताओ जाओ। तो उस चीज से यहाँ पर चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। टेन ऑफ वैंड्स बर्डनसम सिचुएशन है, बेहद टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बहुत ज्यादा बर्डन है यहाँ पर ठीक है, एक बर्डनसम एनर्जी है। ये एम्परर ये बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है ये अभी भी ईगो में है, बहुत ज्यादा एक एम्परर लाइक पोजीशन में है तो आपकी सोच है ठीक है। इसने यहाँ पे लवर से इसने चूज किया है किसी और को, ये कंफर्म है। ये बात अगर आपके सामने आ जाए ये इस बात को पता है, बेहद बर्डन है ये जो एम्परर की इसने एनर्जी में बहुत ज्यादा, ये एक एम्परर का लिबादा है ना जिसने जो एम्परर का एक फेस पे अपने मार्क्स लगाए हुए है कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। उसको पता है मैं रिजेक्ट हूंगा। इंटरेस्टेड तो है क्योंकि जिसको भी एक्सपीरियंस कर रहा था वहां से समझ में आ चुका है कि आप एक राइट पर्सन है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ठीक है, व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है। एक किस्मत ने एक नसीब ने जो भी इसको एक कंफ्यूजन थी ना कि कौन से रास्ते जाऊं कौन सा पर्सन ठीक है, तो वो क्लैरिटी मिल चुकी है। लेकिन बर्डन है ठीक है, एम्परर तो है, एम्परर लाइक पोजीशन में है, इसने आपको हमेशा कंट्रोल करा है। लेकिन इसको ये बात पता है, अगर आपको ये ट्रुथ पता चलता है इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था और वो चीज़ इसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी हैं, इसने बिट्रेयल फेस करा है, वहां पर इसने एक एक रियलिटी देखी है उस पर्सन की ठीक है, और ये फिर आपके पास आ रहा है और फिर आपके साथ ये मैरिज करना चाहता है, तो आपके गजब का ही शिकार होना है इसमें और कुछ भी नहीं होना ठीक है। मतलब कि इस बात को ये समझ चुका है, यहाँ पर बहुत ज्यादा वैसी एनर्जी है, सब वैसे ही तबाह हो चुका है, सब वैसे ही एंड हो चुका है, कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का लेकर चलने का। एस ऑफ फ्रेंच आप ही लाइफ में बिगनिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेटिव नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक जैसे आपके अंदर बहुत ज्यादा जैसे मुझे वो रैप टेप बहुत ज्यादा एक आपके अंदर थ्रिल एक्शन आपके अंदर एक पैशन आ रहा है वापस ठीक है। अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ठीक है, एक न्यू बिगनिंग की तरह आप बढ़ रहे हैं। ये पर्सन आपको एटलीस्ट यहाँ पर इस वक्त ऐसा देख रहा है कि आप खुश हैं, आपको कोई मसला नहीं है, जो हुआ आप उसको भूलने के लिए तैयार हैं कंप्लीटली। लेकिन अब ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन इस पर्सन का जो खामोशी आपको दिख रही है बहुत ज्यादा पिन ड्रॉप साइलेंट लग रहा है, जिनको लग रहा है कि मैम अगर आना चाहते हैं ठीक है, हमने तो इनको कुछ नहीं कहा ये क्यों नहीं आ रहे। ये पर्सन आपके नेचर को जानता है, ये पर्सन ये भी जानता है इतने टाइम अरसे आपने सिर्फ आप पूछते रहे, आपने इवन के ना किसी से बात करी ना किसी को डेट करा ना किसी से ना किसी के साथ आप कनेक्टेड थे, तो ये पर्सन ये सब कुछ जानता था। आप इंतजार कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को रोक कर बैठे। मैं अगर ये आपको कह देता यार मैं कहीं और कमिटेड हूँ या मैंने कहीं और अपनी लाइफ में किसी और पर्सन को जगह दे दी, क्योंकि लवर्स से इसने किसी और को चूज जरूर करा है जिसका बर्डन ये उठा रहा है,
क्योंकि जिसका बिट्रियल इसने ये फेस करा है, इसने जिस इंसान की तरफ गया था वहां से बिट्रियल फेस करा है, तो उस चीज का बर्डन ही कैसे आपको बताइए यहाँ पर क्या कर रहा था। और देखिए मैरिज जैसी चीज, इसको लगता है मैरिज करने से पहले आपको होल ट्रूथ पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर बात नहीं पता चलता आप मैरिज को भी खत्म करने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आपके एक माइंड सेट को जानता है। आप सही के साथ सही करते हैं, गलत के साथ गलत करते हैं, जो सही होगा आप अपने लिए वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी इसको ऐसा लगता है साइलेंट रहे और अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाए, इस कहानी को यहीं खत्म करे, शायद कभी आपको कभी सच पता ना चल सके, ठीक है। मतलब कि इसने अगर पास्ट में आपको वो सब कुछ नहीं दिया तो अभी एक्सेप्ट कर ले, ये नसीब है कि अब आप इसको मिल भी नहीं सकते। और फिर कभी इसका दिल कहता है कि एक रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, एक दफा आपको सच बताना चाहिए, एक लास्ट डिसीजन आपसे सुनना चाहिए, लेकिन इसका जैसे आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने इसको एक अपना एक आपने अपना इसको एक ऐसा एक अपनी एक ऐसी साइड दिखाई है जहां से ये आपको जानता है, ये उस चीज से बहुत ज्यादा डरता है आपकी, ठीक है। आपका जो डिसीजन लेने का तरीका है, आपका जो एक इंसाफ करने का तरीका है, ठीक है, आप जिस तरीके से एक इंसाफ करते हैं उस चीज से ये घबराता है, कोशिश करता है आपके सामने आए, आपको सारी बात बताए, ठीक है। स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ नहीं है इतनी, स्ट्रेंथ इस पर्सन को इतना पता है अगर मैरिज की तरफ जाना है तो देखें आपके आपको पूरा ट्रुथ बताकर आपके साथ एक क्लियर कट होकर चलना पड़ेगा। अगर लाइफ में जिंदगी में कभी भी आपको एक एक राइट चीज पता चलती है, उसके बाद बहुत ज्यादा चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे है टेन ऑफ कप्स की एनर्जी। टेन ऑफ कप्स मतलब एक हैप्पी फैमिली, बिल्कुल मैरिज को सोचता है, ये बात मैंने आपको दोबारा कही, मैसेज दोबारा आ रहा है कि आप से एक फैमिली आपके साथ जब ये फैमिली क्रिएट करे तो यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में है, तो बहुत कुछ आपको क्लियर कर देना चाहिए पहले। अगर यहाँ पर फैमिली क्रिएट हो गई, एक एक मैरिज हो गई पूरा सच बिना बताए, तो ये चीजें बाद में आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज को डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। इसको समझ में नहीं आ रहा, ये हिम्मत करे, फेस करे एक रिस्क टेकिंग करे आपकी तरफ आने की, या तो खामोश हो जाए या तो अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को अब लग रहा है कि आप एक नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। सिक्स ऑफ कप, आप ये लाइफ में शायद और लोगों को भी एंट्री दे रहे हैं, या आप लोगों की फ्रेंडशिप या दोस्ती किसी ना किसी से आपकी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मतलब कि आपकी लाइफ में और लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत आपका पास्ट सेल्फ चेंज हो चुका है, जो बिल्कुल आप इसके ऊपर डिपेंड करते थे, आप इसी का वेट करते रहते थे, अब आपको ट्रुथ पता है या नहीं पता है। पहले भी इसने जो ट्रुथ आपसे हाइड करा वो इसीलिए हाइड करा, आपको जब तक सच पता नहीं चलेगा जब तक आप इस सिचुएशन में बने रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को उस कनेक्शन में उस पर्सन के साथ जो एक सामने वाला इसका पार्टनर था जिसको इसने चूज किया था आपके ऊपर, कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, इसको दिख रहा था फ्यूचर ब्राइट नहीं है, इसको इसके अंदर अंदर इनर सेल्फ कह रहा था कि आप एक राइट पर्सन है, आप एक राइट पार्टनर है, ठीक है। मतलब कि इसने आपको उस टाइम भी जानते हुए कि ये अपनी जिंदगी में किसी और को चूज कर रहा है, किसी और को वक्त दे रहा है, होल ट्रुथ नहीं बताया, क्योंकि इसको पता था जैसे ही आपको सच पता चलेगा आप मूव ऑन कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपका जो है ना, जो एक इंसाफ करने का तरीका जानता है, ये जानता था आप इसकी उस लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप इसके उस रिश्ते को खराब नहीं करेंगे, आप एक रिवेंजफुल या तो एक एक जैसे बेहिस इंसान नहीं है, आप एहसास करने वाले इंसान है। आपने इसको एक ट्रू लव दिया था, ठीक है, तो ये जानता था, लेकिन इसको आपके जो इमोशंस थे ना, ये उसको किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था, ये आपको वेट कराता रहता था, ये इमोशंस इसको ही मिलने चाहिए थे, ये जानता था आपका एक जेन्युइन लव है, ये लव मिलना बहुत मुश्किल है। इसने आपको होल ट्रुथ कभी नहीं बताया थी लाइफ का, ताकि अपनी आप इधर उधर ना हो जाए, ठीक है, आप यहीं स्टक थे। अब आपको पता है क्या हो रहा है, अब आपको सच पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, एक होल क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसने क्या करा। पहले आप इसी सच पे स्टक थे, पहले आप इसी सच को खोजने के चक्कर में थे कि मैं आगे जब बढ़ूं जब ये मेरे सवालों का जवाब दे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई और है। अब आपने आपने इस चीज की भी जंग छोड़ दी, अब आप इसको लेट गो कर रहे हैं, आपको सच पता चल रहा है नहीं पता चल रहा, क्या ट्रुथ है इस कनेक्शन का, ये पर्सन कहाँ इन्वेस्ट कर रहा था, ये पर्सन कहाँ किसके साथ था, पहले आप इसमें स्टक रहकर अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे थे, ठीक है। गुस्सा भी कर रहा है, आपने इस पर्सन से बात करने की कोशिश करी बहुत स्ट्रिक्ट होकर, यार मुझे क्लैरिटी दो, मुझे क्लोजर दो ताकि मैं जाऊँ, इसको पता था क्लोजर दे देगा तो अपनी लाइफ में आप बिजी हो जाएंगे, आपको सच पता चल गया कि कहीं और है, कहीं और बिजी है, अपनी जिंदगी में आप आगे निकल जाएंगे, और इस क्लोजर की वजह से आप रुके हुए थे। एट दी एंड वो रिश्ता भी खत्म हो गया, तब भी इसने क्लोजर नहीं दिया, इसको पता था आप यहीं रहेंगे, लेकिन आप उस क्लोजर मिलने से पहले इस कनेक्शन को अब आप लेट गो कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप दूर होते जा रहे हैं, डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, अपनी लाइफ में आप बिजी होते जा रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है उस क्लोजर को, इसके पास मतलब कि जो क्लोजर है
जो एक ट्रुथ है उसको इसके पास रखने का मकसद अब कुछ बनता नहीं है खास। अब आप रुके हुए नहीं है अपनी लाइफ में, पहले आप स्टक थे, अपने आप को आपने स्टक कर लिया था कि आपको वो ट्रुथ पता चले, वो होल सच पता चले, तब ताकि अपनी जिंदगी में आप मूव ऑन करें, ठीक है। लेकिन अब आप उस चीज से घबरा नहीं रहे, अब आप अपनी जिंदगी में आगे पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कोई मसला नहीं अगर नहीं पता चल रहा तो, ठीक है। आपका पास्ट सेल्फ बदल चुका है, आप फ्रेंडली हो चुके हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं लोगों के साथ, एटलीस्ट फैमिली के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लविंग एनर्जी में मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रही, लेकिन आप एक सिंगल सिंगलहुड अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, गैदरिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं, फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो फ्रेंड्स भी इमोशनल कनेक्शन भी आपका फ्रेंडशिप में अच्छा, आप इमोशनल बाउंड अपने सिबलिंग्स के साथ या तो अपने इर्द गिर्द के साथ लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप यहाँ पर अपना एक सोलमेट चाहते हैं, सोलमेट लव लाइफ में, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप उस क्लोजर के पीछे नहीं है, आप उस ट्रुथ के पीछे नहीं है, आपने उस ट्रुथ की वजह से खुद को स्टक करके रखा हुआ था, एक मुझे क्लोजर चाहिए, इस पर्सन से ट्रुथ चाहिए, और ये पर्सन वही चीज़ पकड़ कर बैठा हुआ था, ठीक है। इसको पता था जब तक आपको ये बात, ये सच आपको नहीं बताएगा जब तक आप इसकी जिंदगी से जाएंगे नहीं, लेकिन अब ये चीज देख रहा है कि अब ये वो क्लोजर भी अपने पास रख रहे, वो ट्रुथ भी रख ले, अब आपने अपने आप को फ्री कर लिया है, आप एक फ्री बर्ड की तरह हो गए, आपने अपने आप को फ्री कर लिया है उन सब इसकी जो टॉक्सिक तरीके थे ना, टॉक्सिक पैटर्न से आपने खुद को आजाद कर लिया है। अब आप रुके हुए इंसान नहीं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। देखिए, एक फ्री कर लिया आपने, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है, आपको समझ में आ चुका है कि अगर ये पर्सन बताए ना बताए आपको खुद के साथ जस्टिस करना है, आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आपने इस पर्सन के साथ गलत नहीं करा, बहुत एफर्ट करी इस कनेक्शन को चलाने के लिए, कंप्लीट कोशिश करी, मतलब कि आपकी जात की कोई गलती नहीं है, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने दिल से, ठीक है। दी हाई प्रिस्टेस, बहुत ज्यादा साइलेंट है आप, बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते, अपनी चीज़ें हाइड करते हैं, जितनी बात करनी होती है करते हैं, अब बिल्कुल इस पर्सन के साथ बुरा वाला बिहेवियर भी नहीं है आपका, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जानती है जो भी आपसे हाइड कर रहा है, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। द हैंग मैन, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं आप, बहुत ये पर्सन स्टक मुझे नज़र आ रहा है अब आपके ऊपर, ठीक है। आपकी क्यों आप इतने खामोश हो, इसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपका इंतजार कर रहा है, नाइन ऑफ फ्रेंड्स के साथ इसने पास में बहुत डिफेंसिव एनर्जी दी है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल के साथ ये पर्सन देख रहा है, आपने खुद को बिजी कर लिया, ये पर्सन स्टक है आपके ऊपर, ठीक है। बेहद एक स्टकनेस वाली एनर्जी है, ये पर्सन स्टक हुआ हुआ है क्योंकि आपके साथ टू ऑफ कप्स से आता है, आप इसलिए स्टक है, ठीक है। ये डरता है आपके आपसे बहुत ज्यादा, इसको आपके आपके जो है ना आपके आपसे इसको डर लगता है क्लैरिटी देने पे, ठीक है। इस पर्सन को पता है आपको जिस दिन क्लैरिटी मिली कि ये क्या कर रहा था, ठीक है, इसके पीछे जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था उसके पीछे इसकी ज़िंदगी में क्या था, ट्रुथ क्या था, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी। इस पर्सन को पता है आप बिना वक्त लगाए इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएंगे, आप इस पर्सन को छोड़ देंगे, ये घबराता है कि आपको ट्रुथ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। ये लेकिन इस ट्रुथ बताए बिना ही आपके साथ आगे की तरफ बढ़ भी नहीं सकता, आप जानते हैं, आप ये सब कुछ खत्म हो चुका है, पास्ट ये जानता है कि पास्ट में अब कुछ नहीं रहा, इसने पास्ट आप पास्ट में आपको सही तरीके से डील नहीं करा, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, ये पर्सन जानता है जिस दिन आपको ट्रुथ पता चला आप कंप्लीटली इस पर्सन से जो आपकी हल्की फुल्की जो कभी कभार हाई हेलो या तो हो जाती है तो वो भी नहीं रहेगी, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, इसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करे, आपको बताए अपनी या क्या करे, ठीक है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, क्योंकि आप तो क्लियर कट अपनी लाइफ में खुश नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपको कोई मसला नहीं है आप, बल्कि यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर खुश हैं, ठीक है, अपनी जिंदगी में ट्रांजिशन की तरफ हैं, आप ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी आगे की तरफ, आप पीछे जो खत्म हो गया, जो जल गया, जो रिश्ते खत्म हो गए, जो गिला शिकवे रह गए उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, आप किसी अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको देखकर बेहद कंफ्यूज है, ठीक है, इसको समझ में आ रहा है यह क्या खो चुका है, बहुत ज्यादा इस पर्सन को एक विजडम गेन हो रहा है कि ये आपको खो चुका है, एक अच्छा इंसान इसने लूज कर दिया, ठीक है, एक अच्छा इंसान इसने अपनी लाइफ से खो दिया। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये पर्सन आपसे फैमिली मैरिज कमिटमेंट चाह रहा है, क्योंकि इस पर्सन को जहाँ गया था वहाँ से पता चल गया आपकी वर्थ का, आप किस तरीके के पर्सन है, आपको किस तरीके से इसको डील करना चाहिए था, बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा है इस वक्त, ठीक है। इसका आपसे कंप्लीटली क्लियर कट होके एक ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत मुश्किल हुआ हुआ, ये ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है, लेकिन जिस दिन ये आपको मिल गई ये बहुत ज़्यादा एक मेस क्रिएट हो जाएगा, इसको नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, रिस्क टेकिंग करने का इसका दिल कहता है, यूनिवर्स इसको पुश कर रहा है, इतना बर्डन इसके ऊपर डाल दिया, इसको रात को नींद नहीं आती, स्लीपलेस नाइट है, बात करना चाहता है क्योंकि जो इसने आपके साथ किया है उसको बताना चाहता है, एक तो इसने आपको बुरे तरीके से ट्रीट करा, प्लस इसने आपकी लाइफ को स्टक करके रखा, वो क्लोजर ना देकर, वो ट्रुथ ना बताकर, ये जानता था आपकी लाइफ रुकी भी है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे हीलिंग मिलती थी, आपका लव भी इसके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, डिग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, थैंक यू।